बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है जी। हाँ जी चाह पका जी। हाँ जी हाँ जी चाह पका रहे हैं जी। हाँ जी मैं सन 85 तो चाह पका रहा जी। अच्छा। और इंशाल्लाह इस मिशन तो पका रहा कि अल्लाह ताला मैं रिज़्क़ हलाल दे। बिल्कुल। मेरे 6 बच्चे हैं जी और 3 मेरे इस काम एडजस्ट हैं। छोटा जा काम है लेकिन लोगों की खिदमत कम अज़ कम 300-400 मजदूर मेरे इस होटल तो चाह का फायदा उठा रहा। सिर्फ 10 रुपए का कप दे रहा मैं। चाय तो हर बंदा बना लेता है लेकिन अच्छी चाय बनाना वो भी एक आर्ट है, एक फ़न है जो हर किसी को नहीं आता। आप बहुत सारे इलाकों की बहुत सारे जगहों पे चाय ट्राई करते हैं तो आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा होगा कि जो अच्छी चाय है वो एक नशा ही है कि वो जब तक बंदा ना पिए तो उसको सुकून भी नहीं आता और अच्छी चाय मिल जाए तो एक नशा ही जैसे है कि उसको नशा मिल जाए। यहाँ पर आपको 10 रुपये का कप भी मिल जाएगा और इसी तरह अगर ऊपर की तरफ जाएँ ज़्यादा क्वान्टिटी में तो इससे भी महंगा भी मिल जाएगा। तो तकरीबन 3 किलो दूध है उसकी चाय बनाएंगे। और एक चीज़ और कि मैंने अपने इलाके के अंदर हर जगह पे जाके चाय को ट्राई किया तो मुझे जो सबसे अच्छी चाय लगी है वो यहाँ की लगी है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये आग है कि ये लकड़ी की आग है और दूसरे नंबर पे ये जो बर्तन है उसकी वजह क्या है कि इस बर्तन के अंदर पूरा दिन चाय पकती है, इसको धोया नहीं जाता। इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं सारे जो जला हुआ दूध साइडों पे थोड़ा बहुत जो पत्ती होती है वो बार बार रीयूज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी पत्ती को रीयूज़ करते हैं, जो थोड़ी बहुत बच जाती है अंदर उसी के साथ साथ ये चाय पकती जाती है और इसके फ्लेवर्स डेवलप होते रहते हैं। इसमें एक और ख़ास बात है कि दूध आपने लेना कच्चा, कच्चे दूध की चाय का जो जायका है वो उबले हुए दूध से नहीं आता, इसलिए कच्चा दूध लें। उसको तकरीबन जब ये गर्म हो जाए, नीम गर्म से ऊपर चला जाए यानी कि जब बॉयल होने से पहले, फिर इसके अंदर आपने पत्ती शामिल करनी है। ते अच्छी चाय बनाने का राज की है। सब तो पहले तो दिल साफ होना चाहिए जी। हाँ जी हाँ जी दिल साफ होना चाहिए क्योंकि दिल च मुनाफकत नहीं होनी। फिर ऐसे अच्छी चाय बनाने के चाह अच्छी लो, असि वाइटल चाह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी हरूनाबाद। हाँ जी हाँ जी 10 रुपए के अंदर। तो दूसरा है कि दूध खालस हो, बर्तन साफ हो, पकाने वाला बंदा जो एन टेंशन हो। हाँ दिल च खलूस हो, बिल्कुल दिल च खलूस हो। तो जी इसके अंदर पत्ती शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच 3 टेबलस्पून के बराबर क्योंकि ये 3 किलो दूध है तकरीबन। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पत्ती शामिल करने के बाद इसको हलाते हुए पकाना है आपने पूरे इलाके के अंदर। जी हाँ जी अच्छी चाय और हाँ सस्ती चाय। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब 10 रुपए च मेरे ख्याल कप धोना भी बारे नहीं। बाजी असं एक तो दुध मंगाने चोलस्तान टोभियां तो। अच्छा। वो प्योर खालस होंगे जी, उस मिलावट नहीं होंगी। दूसरा कम अज़ कम 30-35 चाव कट्ठिया पकदियाँ वो 10 रुपए की दे के सानू रिज़्क़ हलाल बच रहा है। हाँ जी जिदे हर बच्चा खुश हों, बंदा आता वो रात में 10-11 बजे तक चलता रहता है। पार्सल चाह जानिया जी साड़िया के अंदर जो मेन चीज़ है वो है जी इलायची का पाउडर। इससे दूध के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इलायची का जो फ्लेवर है वो आएगा, दूसरे नंबर पे एक दूध के अंदर आपको ऐसे फील होगा जैसे बहुत ज़्यादा थिकनेस है, इसलिए पाउडर फॉर्म में इलायची शामिल करनी है। और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इतने के लिए काफ़ी होगी, तकरीबन ये जो छोटा चम्मच है मेरे पास तो ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ही होगी। इलायची शामिल करके इसको इधर पकने देना है। पकने इसलिए देना है कि अभी कोशिश करें इसको ढक दें ताकि इसके जितने भी फ्लेवर हैं स्टीम के साथ वो अंदर ही रहे और पत्ती का भी सही तरह कलर निकल आए फिर उसके बाद इसको हलाना शुरू करें। तो जी तकरीबन पत्ती और जो इलायची है उसका पूरा फ्लेवर और कलर जो है वो चाय के अंदर आ गया। कलर अच्छा, बड़ा बेहतरीन कलर निकला है। इधर देखें, अगर आप कहीं पर जाते हैं और आपको चाय का जायका बहुत मुनफरद और बेहतरीन लगता है तो उसके पीछे ये राज होता है कि उसके अंदर नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, या तो वो चाय बनाई जा रही है गुड़ से जिसका एक बहुत आम सा जायका है, मतलब कि आप कहीं पे भी अगर गुड़ की चाय बनाते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन अगर आप इस चाय के अंदर ये शामिल करते हैं, ये है गुलकंद मेरे पास। गुलकंद की जो चाय है वो समझे कि बहुत ऐसे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग दूर दूर से चाय पीने के लिए आते हैं। तो ये जो चाय है इसके अंदर भी हमने गुलकंद शामिल करनी है। इसके लिए अंदर चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ गुलकंद, जो कि एक बड़ा इसके अंदर जो फूलों का हल्का सा जायका, जो रेड रोजेज़ होते हैं और बाकी जो मिठास है वो भी टोटल इसी से आएगी। और गुलकंद जब इस चाय के साथ पकती है तो उसकी एक अलग ही फ्यूजन पैदा होती है। इसके अंदर ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच और जी इसके अंदर मीठा शामिल करके, मतलब गुलकंद शामिल करके 8 से 10 मिनट आपने इसको हलाते हुए पकाना है। हलाने का एक बड़ी केमिस्ट्री है इसके पीछे कि जब आप चाय को इस तरह ऊपर से नीचे हिलाते हैं तो इसके अंदर जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है वो मिक्स होती है
और ऑक्सीजन जब किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे आइसक्रीम हो या चाय ही हो, दोनों चीज़ों के अंदर, एक ठंडी है बिल्कुल एक गर्म है, जितनी देर तक आइसक्रीम ऑक्सीजन जो है इनके अंदर मिक्स नहीं होती, इनका फ्लेवर नहीं आता। तो यकीन करो कि लोग शर्तां ला के आने साढ़े को। अगले दिन 1300 लोग तो एक पार्टी आई, शर्त ला के आई दो दो बकरियां दी। उन्होंने कहा जी 10 रुपए की चाह हो नहीं सकती। और जो आके उन्होंने जनाब 10 रुपए की चाह के हिसाब ना, असं पैसे मंगे उन्होंने को 10 चावं का 100 रुपया। वो जनाब दोवें उन्हें कहा यार असं हैरान है किमें तुम्हें पा रहे हैं। फिर असं उन्होंने दसिया कि तुम भी अगर कोई काम करते हैं, अगर नेक नीयत ना करो, रिज़्क़े हलाल कमाओ, तो थोनू इंशाल्लाह खर्च नहीं होएगा। चाय तैयार है तकरीबन, इसको 10-12 मिनट पकाया है और आग बिल्कुल ऐसे बहुत तेज़ नहीं है। ये देखें काफ़ी गाढ़ी और बेहतरीन कलर आ चुका है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। और इसको जो है अब करेंगे सर्विंग। अलहमदुल्ला मेरे घर कोई जी बीमार को नहीं है, अलहमदुल्ला मेरे घर 21 फैम बच्चे हम पोतरे पोतरियां सारे लड़ा के जी। हाँ जी रिज़्क़े हलाल दी एक ते निशानी है कि बीमारी तो तुसी पाक। हाँ जी बिल्कुल पाक इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਅੱਜ ਪੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਯਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੂਸ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਪ ਪੂਰਾ ਚਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਪ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਪੱਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹਰਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ।